हेलो स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी सिविलाइजेशन से हमारा देश कैसे बना। तो आज से करीब 500 साल पहले ब्रिटिशर्स आए बंगाल में। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे देश में नहीं आए, ब्रिटिशर्स बंगाल में आए थे। और ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए, इसका क्या मतलब? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश उस टाइम पे था ही नहीं। ठीक है, हमारा देश नहीं था तो फिर क्या था? चलिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आप इमेजिन करिए और बस महसूस करने की कोशिश करिएगा। जब ब्रिटिशर्स बंगाल में आए, बंगाल एक स्टेट था, ठीक, उन्होंने बंगाल को जीत लिया। ठीक, अब चलिए मैं यहाँ हूँ लखनऊ में, और मान लीजिए कोई बंगाली मेरे पास आता है रोते धोते, बिल्कुल हैरान परेशान, और मुझसे कहता है कि बहुत गोरी चमड़ी के लोग आए हैं कहीं बाहर से, परदेसी हैं, और उन्होंने हमें मारा काटा, हमें लूट लिया। तो सबसे पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो कह क्या रहा है। ठीक, क्योंकि वो बात कर रहा होगा बंगाली में और मुझे बंगाली नहीं आती। मैं यही कहूँगा कि यार पागल है गया ये आदमी, क्योंकि मैंने कभी बंगाली सुनी भी नहीं। ठीक, ऑब्वियसली 300-400 साल पहले। अब इन केस चलिए ठीक, मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको बंगाली भी आती है, हिंदी भी आती है, और वो मुझे वो आदमी जो कह रहा है उस चीज़ को ट्रांसलेट करके, मान लीजिए कोई मुझे बताता है कि हाँ ये आदमी कह रहा है कि गोरी चमड़ी के बहुत सारे लोग आए हैं कहीं परदेश से और उन्होंने बंगाल में लोगों को मारा काटा है, लूट लिया है, ऐसा ऐसा सब कुछ, और उन गोरी चमड़ी के जो लोग हैं उनके पास ऐसे डंडे हैं जिन डंडों को वो ऐसे रखते हैं और उन डंडों के आगे कोई भी खड़ा हो जाता है तो मर जाता है। ठीक है, 300-400 साल पहले। तो ऑब्वियसली अगर कोई मुझे मिल भी गया जो मुझे ऐसा ट्रांसलेट करके बता दे, तब भी मैं उसकी बात का विश्वास नहीं करूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, और चलिए मान लिया कि मैं विश्वास कर भी लूँ कि हाँ सफ़ेद कलर की चमड़ी के, मतलब सफ़ेद रंग के कोई लोग आए हैं बंगाल में लूटमार कर रहे हैं, तो भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, मैं तो ये कहूँगा भाई बंगाल तुम्हारा, तुम जानो यार, हम तो यहाँ मस्त हैं। ठीक, सिंपल सी बात। तो उस टाइम पे यही था ही सिचुएशन हमारे देश का। ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, उन्होंने ये देखा कि ये देश बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इस देश में, और उन्होंने एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी। उन्होंने ये देखा कि हाँ, सबसे पहली चीज़, ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स, और बहुत सारे स्टेट्स, उन सारे स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हर स्टेट में अपनी अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हर स्टेट में अपना अलग ही सिस्टम है, हर स्टेट के लोग का पहनावा अलग है, हर स्टेट के लोग अलग चीज़ें खा रहे हैं, अलग फेस्टिवल्स मना रहे हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। और इसके बाद वो जितने स्टेट्स हैं, ऑब्वियसली जब लोगों की भाषा ही अलग है तो एक दूसरे से ज़्यादा टच में भी नहीं है वो, और पहले के टाइम में इंटरनेट भी नहीं था ऑब्वियसली। आज के टाइम में तो होता है कि कहीं पे भी कुछ भी हुआ तो ट्विटर पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो पूरे देश को पता चल गया। उस टाइम पे बंगाल में अगर कुछ हुआ तो देश के बाकी हिस्सों में वो चीज़ पता चलेगी वो पता चलेगी भी तो महीनों बाद कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, और उस पर भी लोग भरोसा करें या ना करें कि अफवाह है कि सच है, वी डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे ना फ़ोन थे ना इंटरनेट था। ठीक, अब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं और हर स्टेट अपने आप में अलग है और किसी स्टेट को किसी से मतलब भी नहीं है कुछ, और अगर मतलब रखना भी चाहें तब भी नहीं रख सकते क्योंकि उनकी लैंग्वेजेज ही अलग हैं। ठीक, अब अगर एक स्टेट को देखा जाए, ठीक, तब भी ऐसा ये नहीं है कि उस स्टेट, एक स्टेट की बात हो रही है तो उस स्टेट में सब लोग एक जैसे हैं, ऐसा भी नहीं था। अब अगर आप एक स्टेट को देखें तो अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हर स्टेट में 4 कास्ट के लोग हैं। ये अंग्रेज़ों ने पहली बार ऐसी चीज़ देखी,
कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो चार कास्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक। तो किसी भी शहर में आप चले जाओ या किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, एक कास्ट के लोग अलग हैं, दूसरी कास्ट के लोग अलग रह रहे हैं, तीसरी कास्ट के लोग अलग रह रहे हैं, चौथी कास्ट के लोग अलग रह रहे हैं, और उन अलग अलग कास्ट के लोगों को भी एक दूसरे से मतलब नहीं है, ठीक। अब एक बहुत खास बात, जैसे मान लीजिए कोई शहर है, उस शहर में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जिस कास्ट की थी उस कास्ट को दलित कहा जाता था, और वो कास्ट पहले से ही एक्सप्लॉइटेड थी, ठीक है, वो पहले से ही भूखे, कमजोर, थके हारे, बेहाल लोग थे, ठीक, पहले से एक्सप्लॉइटेड थे वो, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका खून कौन चूस रहा है, वो तो पहले से एक्सप्लॉइटेड थे, तो उनको कोई मतलब नहीं कि उनका मालिक कौन है, ठीक। और जो बाकी लोग थे उनमें भी कोई ऐसा नहीं कि अब जैसे एक कास्ट जो उन्होंने देखी कि चलिए ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मण एक जैसे हैं, ब्राह्मण भी तमाम तरह के थे। गंगा के इस पार के ब्राह्मण अलग हैं, गंगा के उस पार के ब्राह्मण अलग हैं, पहाड़ के ब्राह्मण अलग हैं, साउथ इंडिया के ब्राह्मण अलग हैं, अगर आप क्षत्रिय की बात करो क्षत्रिय भी अलग है, राजपूत राजस्थान के अलग हैं, राजपूत यूपी के अलग हैं, हर कास्ट इतनी ज़्यादा वैरायटीज, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। तो अंग्रेज़ों ने ये देखा कि अलग अलग स्टेट जिनकी लैंग्वेज अलग, उनका पहनावा अलग, उनका दिखते अलग हैं, बोलते अलग हैं, खाते अलग हैं, उसके बाद स्टेट के अंदर भी इस तरीके की कास्ट, और कास्ट के अंदर भी कास्ट, दलित भी ऐसा नहीं कि एक टाइप के दलित है, दलित भी अब अलग अलग तरह के हैं, उसमें भी हायर दलित हैं, लोअर दलित हैं, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, उन्होंने जैसे पहले एक स्टेट कैप्चर किया, उन्होंने देखा कि ये दो स्टेट आपस में लड़ते हैं तो चलो इन दोनों को लड़वा दो, इन दोनों को कैप्चर कर लो, फिर इस तरह करते करते उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर ऑलमोस्ट पूरा देश कैप्चर कर लिया, ठीक। और ब्रिटिशर्स बहुत मज़े में थे, ठीक, ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश और इस तरीके के हालात वाला देश कभी एक साथ इकट्ठा खड़ा हो सकता है, उनको अपोज कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। ये बहुत एक मतलब सरप्राइज करने वाली चीज़ थी कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कोई जगह में इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो किसी एक चीज़ के लिए। हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों लोग हुए, ठीक है, जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, ऐसे हज़ारों लोग थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में गए, लोगों से बात करी, लोगों को बताया कि हो क्या रहा है, अंग्रेज़ किस तरीके से हमारे देश को लूट रहे हैं, उन्होंने लोगों की तकलीफ़ें सुनी, उनको अपनी बातें बताई, उन्हें सबसे ख़ास चीज़ उन्हें इस सोच से निकाला, ये जो सोच थी ना कि यार तुम बंगाली हो तो यार तुम अपना देखो, सबसे ख़ास चीज़ उन्होंने इस सोच से निकाला लोगों को एहसास दिलाया कि हम एक देश बनाएंगे, जो देश हमारा होगा, पूरा देश हमारा है, ये हम हैं, हम भले ही अलग अलग रिलीजन के हों, चाहे अलग अलग कास्ट के हों, चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हों, चाहे जो भी, हम सब एक हैं, ठीक है। वो एहसास दिलाया कि हाँ हम एक देश हैं, और अगर हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हम अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं, तो हमें एक देश बनाने का मौका मिलेगा, और हम वो एक देश बनाएंगे जिसमें सबको बराबर का हक हो, और ये सबका देश होगा, ये हमारा देश होगा। और वहाँ से वो ख्याल बना हमारा देश। तो अब अगला टॉपिक जो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब ब्रिटिश लोग ये इंडिया पे रूल करते थे तो इंडिया के अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग साथ में आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया, ठीक है। हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को जेल में भी डाल दिया, लेकिन फिर भी वो लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ पा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसी कोशिशें करी लोगों की हिम्मत तोड़ने के लिए। एक ऐसा ही वाकया हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। हुआ ये था कि जलियांवाला बाग में
बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, एक तरीके का छोटा सा एक मेला था वो, और लोग आए थे अपनी अपनी बात कहने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन ये बहुत शांति वाला प्रोटेस्ट था, कोई हथियार नहीं थे, लोगों को वायलेंस नहीं करना था, हिंसा नहीं करनी थी, लोग बड़े शांति से आराम से थे जस्ट बातचीत करने के लिए। और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ओपन फायर करवाया था, मतलब सामने सामने लोगों पे सरेआम दिन दहाड़े गोलियाँ चलवाईं, सैकड़ों लोग मर गए और घायल हो गए। मतलब ये बेशर्मी की और इंसानियत की मतलब हद थी, कि मतलब ये साफ एक मैसेज था देश को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे हम यू सरे राम आपको मारेंगे। लेकिन ये तमाम कोशिशें करने के बाद भी ये चीज़ें काम नहीं आई। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वो कैसे ना कैसे करके दबा ले जाएंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारे देश को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो तमाम धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों सिख हों, वो सब तमाम लोग सब साथ में आए इस देश की कल्पना में। ठीक, अब इस देश की जो कल्पना थी कि हम एक देश के लिए लड़ेंगे और ये हम सब एक देश हैं, इसकी कल्पना में बहुत ज़्यादा सहारा मिला कई सारे सॉन्ग्स सिंबल्स का। ठीक है, ये सॉन्ग्स और सिंबल्स जो थे, ये थे हमारे देश के, उस देश के लिए जिसके लिए लोगों को लड़ना है। ठीक, और ये एक तरीके का रिमाइंडर भी है हमारी जो देश है उसके इतने रिच ट्रेडिशन का, इतना जो हमारा एक इतिहास है उसके एक तरीके सिंबल्स हैं ये हमारे देश के। तो ये था पहला चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, हर चीज़ समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस चैप्टर का ख़त्म हम करते हैं इकबाल के एक शेर के साथ। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मतलब कि ग्रीस, मिस्र मतलब कि इजिप्ट, रोमा मींस रोम, मतलब ग्रीस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन की बात करी गई है। तो यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है अब तलक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर। थैंक यू, हो गया।